वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जया की चाय के दार थाली में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ यमी मैंगो सूजी केक। ये रेसिपी बहुत आसान है और इस सीज़न में आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इस केक को हम मैदा, बटर व ओवन के बिना रेडी करेंगे। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और पौष्टिक भी है। इस केक को हम कढ़ाई में बनाएंगे, इसलिए इसे बनाना आसान है। जिसके घर में भी माइक्रोवेव या ओवन नहीं है, वो भी उसे ट्राई कर सकता है। नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग सूजी मैंगो केक। इसके लिए हम एक आम लेंगे। चूँकि मेरा आम छोटा था, इसलिए मैंने दो आम लिए हैं। आप भी यदि आम छोटा हो तो दो आम ले लेंगे। आम को छील करके उसमें से पीस कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने आम को कट कर लिया है और ये मेरे पीसेस बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल करके स्मूथ पेस्ट सा बनाएंगे। मैंगो के पीसेस को हम इस तरह से मिक्सी के जार में डाल देंगे। इसमें हम 3/4 कप शुगर ऐड कर रहे हैं। शुगर को हमें अलग से नहीं पीसना है, नॉर्मल शुगर ही लेंगे, क्योंकि ये मैंगो के साथ पिस जाएगी और इसका अच्छा बारीक पेस्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मैंगो पल्प का स्मूथ पेस्ट सा बना लिया है। मैंने 1.5 कप सूजी ली है, जिसे हम ग्राइंड करके महीन कर लेंगे। ऐसा करने से केक का टेक्सचर भी स्मूथ रहेगा। यदि हम सूजी को ग्राइंड नहीं करेंगे, हम सूजी पतली या मोटी किसी भी तरह की ले सकते हैं। हमारी सूजी यदि महीन भी है और हम उसे ग्राइंड नहीं करते हैं तो केक बहुत अच्छा सा नहीं बनेगा, इसलिए सूजी को ग्राइंड करना कंपल्सरी है। मैंने 1.5 कप सूजी ली है, इसे मैं 2 बार में ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड कर हम सूजी को एक बॉल में पलट देंगे। इसमें हम 1/2 कप रिफाइंड या घी डालेंगे। मैं घी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैंगो एंड शुगर पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम ऐड करके खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे विस्कर की हेल्प से। इनका स्मूथ सा पेस्ट हमें रेडी करना है। इन सारी चीज़ों को ये देखिए, इस तरह से हमें एक दिशा में चलाते हुए मिक्स करना है। अब ये मिक्स हो गया है तो मैं इसमें 1/2 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। दूध जो है ये रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए, ना ये गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए। नहीं तो अगर दूध हमारा गर्म या ठंडा होगा तो केक अच्छा नहीं बनेगा, उसमें वो बॉन्डिंग नहीं आएगी। ये देखिए, हमारा बैटर अब रेडी है। तो इस बैटर को अब हम सेट होने के लिए लगभग 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। इस बैटर को हम मिक्स कर चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब हम इसे 1/2 आवर के लिए लगभग रेस्ट करने के लिए रखेंगे, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है और सूजी को थोड़ा सा फूलने के लिए समय चाहिए होता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा केक मुलायम नहीं बनेगा, उसमें जगह जगह गांठे सी भी होंगी और हार्ड बनेगा। मैंने इसे ढक करके थोड़ी देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अब हम केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। ब्रश की हेल्प से केक टिन बहुत अच्छे से ग्रीस हो जाता है और यदि हम अच्छे से ग्रीस नहीं करेंगे तो केक ठीक से डिमोल्ड नहीं होगा और ये टूट सकता है निकालने में फिर। तो केक को अच्छे से डिमोल्ड करने के लिए केक टिन की ग्रीसिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैंने इसे ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसमें एक बटर पेपर डाल करके उसे भी ग्रीस कर लूँगी।
बटर पेपर लगाने से इजीली केक टिन से बाहर आ जाता है। और यदि हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो हम इसके स्थान पे मैदे से इसे ग्रीस करने में मैदे की हेल्प ले सकते हैं, इससे भी केक मोल्ड से आसानी से बाहर आ जाता है। चूँकि हमें ये केक कढ़ाई में बनाना है फ्रेंड्स, इसलिए हमें कढ़ाई को भी प्रीहीट करना होगा। और यदि हम इस केक को ओवन में बनाएंगे तो प्रीहीट ओवन में हम 180 डिग्री टेम्परेचर पे से 40 मिनट्स के लिए बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में भी हम इसे 35 टू 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। इसके लिए हमें कढ़ाई में एक स्टैंड लेना होगा और लगभग प्रीहीट करने के बाद इसमें जब हम केक टिन को रखेंगे तो 35 टू 40 मिनट्स में केक रेडी होता है। तो मैं तब तक कढ़ाई को प्रीहीट होने के लिए रख दे रही हूँ। आफ्टर 30 मिनट्स हम केक के इस बैटर को चेक कर लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम 1/4 कप मिल्क और ऐड करेंगे। और अब हम इसे ठीक से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें एक ही तरफ से इसे मिक्स करना है। ये देखिए, अब इसमें मिल्क बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी बैटर की एकदम परफेक्ट है। केक इस केक के लिए ऐसा ही हमारा जो ये बैटर है ये ऐसा ही होना चाहिए। अब मैं इसमें येलो कलर ऐड करूँगी। कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे यूज़ करें। यदि आपके पास कलर नहीं है तो आप नहीं ऐड करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। मैं इसमें वन टीस्पून जो है ये बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। और इन सारी चीज़ों को मैं अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ध्यान रहे, बार बार हमें ये ध्यान रखना है कि हमें केक के बैटर को एक तरफ से ही मिक्स करना है। और अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। मैं इसमें एक छोटा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू के रस से केक का टेक्सचर बहुत अच्छा सा आता है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमें इसे बहुत जल्दी ही केक टिन में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि इस स्टेज पे बैटर को ज़्यादा देर छोड़ना उचित नहीं है। आप देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रेडी है। हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर इस केक के लिए चाहिए, तो अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। हम इसे टैप कर लेंगे कि इसमें कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए और हमारा केक इससे अच्छा बनेगा। इसके बाद आप इसे ड्राई फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं। मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट, टूटी फ्रूटी या अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज़ से इसे गार्निश कर सकते हैं। और अब मैं इसे प्री हीट कढ़ाई में सेट कर दूँगी। इस कढ़ाई को मैंने प्रीहीट कर लिया था और अब इसमें मैं ये केक टिन रख रही हूँ और मैं इसे कवर कर दूँगी। आफ्टर 35 मिनट्स मैं इस केक को चेक करूँगी कि ये पक गया है कि नहीं। फ्रेंड्स देखिए, अब इस केक को मुझे चढ़ाए हुए 35 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं इसे चेक करूँगी कि ये तैयार है कि नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा नाइफ बिल्कुल साफ़ है, इसमें किसी भी तरह का कोई वो नहीं लगा हुआ है मेरा बैटर। इट मीन्स कि मेरा केक बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसे फ्लेम से उतार लूँगी
और ठंडा होने का वेट करूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे डीमोल्ड करूंगी। अब केक ठंडा हो गया है तो फ्रेंड्स हम इसे इस तरह से किनारों से टिन से अलग करके डीमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस केक का टेक्सचर कितना यमी सा है और ये बहुत ही अच्छा सा लग रहा है देखने में, एकदम माउथ वाटरिंग एंड डेलिशियस। देखिए फ्रेंड्स ये केक डीमोल्ड हो गया है। अब हम इस बटर पेपर को अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये एकदम यमी टेक्सचर का केक है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और देखिए मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कितना स्पंजी सा केक हुआ है, आप देख सकते हैं। तो लीजिए मैंगो सूजी केक आप भी टेस्ट कीजिए, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।